अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 5 के आखिरी एपिसोड में अर्तुगरुल गाजी अपने घर वालों, माँ बीवी और बच्चों, इसके अलावा कबीले वालों से मिलने के बाद अपने सारे साथियों के साथ अनातोलिया के सफ़र पर रवाना होते हैं और जाते वक्त कबीले वालों से कहते हैं कि हमने अल्लाह की खातिर ज़मीनों को फतह किया और अब से हम एक नए दौर का आगाज़ करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इस सफ़र से हमारी वापसी ना हो। लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए अर्तुगरुल गाजी को दुआएं देते हैं और गाजी अनातोलिया में मंगोलों और सलीबियों से जंग करने के लिए रवाना हो जाते हैं। बस यहीं पर अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ का इख्तिताम हो जाता है और आगे लोगों को मालूम नहीं हो पाता कि आखिर अर्तुगरुल गाजी कर क्या रहे हैं, और इसीलिए लोग सीज़न 6 का इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरी सीरीज़ का मकसद सिर्फ अर्तुगरुल गाजी या उस्मान साहब की ज़िंदगी दिखाना नहीं है, बल्कि जब एक सुल्तान का दौर और उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उसकी सीरीज़ को भी ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए अर्तुगरुल गाजी का सीज़न 6 नहीं बनाया गया, क्योंकि अब इसके बाद में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब के कारनामों को दिखाया जाएगा, जो कि अर्तुगरुल साहब के ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक अजीम इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखते हैं, जिसको देखने के लिए आपको कुरलुस उस्मान देखना होगा। कुरलुस उस्मान में अर्तुगरुल साहब की एंट्री सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 12 में होती है, लेकिन इसमें अर्तुगरुल साहब की अदाकारी इंजन अल्तान नहीं बल्कि कोई दूसरा अदाकार कर रहा होता है। वो इसलिए कि अगर इंजन अल्तान इसमें अदाकारी करते तो उस्मान साहब का करेक्टर कुछ हल्का नज़र आता। कुरलुस उस्मान में अर्तुगरुल गाजी के दो सिपाही बामसी बैरक और अब्दुर्रहमान साहब होते हैं, जबकि अर्तुगरुल साहब के बड़े भाई की बीवी सलजान खातून भी नज़र आती हैं। उस्मान गाजी साहब इस करेक्टर में, साबची साहब इस करेक्टर में और गुंदूज साहब इस करेक्टर में नज़र आते हैं, जबकि उस्मान साहब के चचा दुंदार साहब इस करेक्टर में नज़र आते हैं, और उस्मान साहब के दो अहम सिपाही गोगतुग और बोरान होते हैं। शेख इब्नुल अरबी की तरह कुरलुस उस्मान में शेख अदाबाली नज़र आते हैं। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम बाला खातून होता है, जिससे आगे चलकर उस्मान साहब निकाह करते हैं। बस इसी तरह उस्मान साहब के कारनामों को कुरलुस उस्मान में आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।